फलाना को भूत बने फलाना को भूत नहीं बने फलाना को पितर बने हजार से गए पशु वाली कौन सी गई पशु निर्दोष है भाई निर्दोष की दुष्कृति नहीं है मैंने कहा सबरी नहीं जो अशुद्ध खान पान खाते पीते हैं नशीली चीजों का सेवन करते हैं उन लोगों की दुर्गति ही होती है पशु वाली कोई दुर्गति नहीं है बड़ा सुंदर पशु पल में औरतन बिन सजाएगो फिर ने कुछ कर सको शरीर जलते साधन भजन सेवा कर सकते हैं और एक भोग तो सब युनो में भोग लोगे योग सब युनो में नहीं होगा केवल मनुष्य योनि में योग का अर्थ है दो का मिलन प्रसंग दो का मिलन का नाम योग कहलाता वाणी में गुरु शिष्य का मिलन का नाम योग कहलाता है सुन और शब्द का मिलन का नाम योग कहलाता है जीव और शिव का मिलन का नाम योग कहलाता है भोग पांच ज्ञान इंद्रिय का पांच भोग है आंख का भोग रूप है कान का भोग राग है जीभ का भोग रस है नासिका का भोग गंध है त्वचा का भोग स्पर्श है ये तो सब योनि में भोगा जाता है योग केवल मनुष्य जीवन में इसलिए कोई सर्वथा संदेश है पल में ओ तन बिन सहे हो किन्हीं कुछ कर सकोरे आते बेग संहार अपन को सत कबीर यो कह रहे इस बात अपना आपको सुना आपको आपने कोई पूछ ले अब कौन हो क्या बताओगे नाम बताओगे हम नाम वाले हैं ये कहोगे जाति बताओगे हम जाति वाले हैं मजे बताओगे हिंदू मुस्लिम जहां पे रहते हो घर मोहल्ला ठिकाना बताओगे ये परिचय आपने आपका नहीं दिया है इस शरीर का परिचय दिया नाम क्यों है शरीर और जाति की नहीं है शरीर की हिंदू मुस्लिम कौन शरीर जहां कहीं रहता घर में मोहल्ला में कहीं तो शरीर रहता आप कौन हो ये सत्संग अपने से सवाल पूछती है अब इतने भाई मेरे सब पढ़े लिखे लोग हो बड़ा होशियार होशियार लोग हो और कुदरत तो ही नहीं कुदरत खोज बैठा कौन हो आप अपना आपको जानो अपना आपका प्रसिद्ध सत्संग नाम अपना नहीं है नाम शरीर का जाति शरीर की हिंदू मुस्लिम शरीर है आप हम शरीर नहीं है आप हम शरीरधारी जीव आत्मा है इस शरीर से अब हम अलग है इनसे अलग बोलते हैं आप हम माँ बाप का अंश नहीं है आप हम ईश्वर के राम जी के अंश है माँ बाप का अंश शरीर है शरीर को सुनो माता पिता को उनकी सेवा करो शरीर की दृष्टि से पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है शरीर की दृष्टि से पत्नी के लिए पति भगवान है और गुरु महाराज के हैं शिष्य के लिए गुरु महाराज भगवान है जिनका शरीर उनको सुनो आप हम माँ बाप के अंश नहीं है पशु को ध्यान देना आप हमें राम जी के ईश्वर के अंश वाणी कहे शास्त्र कहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी आप हम जीव आत्मा है और राम जी के ईश्वर के अंश है अविनाशी कभी अपना नाश नहीं होना आप भक्त नहीं होना आपने मृत्यु किसकी जिनका जन्म उनकी मृत्यु होती है पुरुषों में काम देना शरीर का जन्म है और शरीर की मृत्यु होती है आप हम शरीर नहीं है नहीं हमारा आना नहीं हमारा जाना है हमारा किसका जीव आत्मा का पशु दान देना जन्म मरना का धर्म स्थूल शरीर तीन है वाणी में शास्त्र में तीन शरीर बताया है एक स्थूल शरीर जो ये बॉडी दिखाई दे रही है इनको स्थूल शरीर कहते हैं इनके अंदर में एक शरीर और है उनको सूक्ष्म शरीर कहते हैं और उनके अंदर में शरीर और है उनको कारण शरीर कहते हैं स्थूल शरीर का धर्म है जन्मना और मरना सूक्ष्म शरीर का धर्म है आना और जाना एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करना ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है एक लोक से दूसरे लोक में जाना ये सूक्ष्म शरीर जाता है और कारण शरीर को लेकर के जाता है जीव की गति करता है जल जीव की वासना है आसक्ति है झुकाव है उधर जीव गति करता है
भाई भूमि पर जो वृक्ष खड़ा है उन वृक्ष को हम काटते हैं तो काटने के बाद वृक्ष कौन दिशा में मिलता है, पूर्व में पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन दिशा में। सिद्धांत कहता है वृक्ष को काटने के बाद वृक्ष उसी दिशा में गिरता है जिस दिशा में वृक्ष पहले से झुका हुआ है। हार्दिक बदरी गिरेगा ऐसे शरीर को तोड़ते जीव रुक न जाए जिधर झुकाव है। परमात्मा इधर झुका तो मुक्ति मोक्ष पाई, जगत को झुका तो जन्म जो नहीं पाई। अभी कुछ और फिर कुछ और बना रहा है। पानी कहते हैं जिधर झुका उधर ही जी जाए। इसलिए जन्म मरना स्थूल शरीर का धर्म, आना जाना सूक्ष्म शरीर का धर्म और कारण शरीर को लेकर के जाता है। आप हमें इन शरीर से अलग जुदा आत्मा है, यही हमारा असली परिचय, यही हमारा अनुभूति है। अपना आप को जानना है, इसलिए कवि साहब कहते तांते वेग संभाल अपन को, अपना आप को संभाल आप को अनुभव। सब सभी ने यो कह रहे हैं, शरीर ही बन बैठे वही मैं बोलो राम शरीर अपना रहने लो क्यों रह रहे भाई फिर ने गुमस्त समझ लो। बोलो राम राम। शास्त्रों में इस शरीर ने वस्त्र की बात भी बतायो, इस शरीर पर शुद्ध वस्त्र है, ऐसे आत्मा के ऊपर पंच भौतिक शरीर का वस्त्र है। वस्त्र फाट जाओ तुझे तो कहीं करा इन उतार दो सब नए वस्त्र धारण कर। वस्त्र कटे मिले बाजार में मार्केट में, बाजार में वस्त्र खरीदने वाला जावा तो मार्केट में कीमती से कीमती वस्त्र कीमती से कीमती, पर अपन कपड़ों कैसे मिली यदि कीमत है वैसे मिली। तू जो आगे शरण जन्म कैसे मिली जैसे अपने करनी अपना कर्म है वैसे सही। जन्म जाति और व्यवस्था ये तीनों ही करनी का फर्क है। जन्म जाति और व्यवस्था, जन्म दो प्रकार का, एक पुरुष को जन्म दूसरे को नारी को जन्म। जन्म दो माना गया वाणी शास्त्र बहुत उत्तम जीव कर्म करता है उनको पुरुष का जन्म मिलता है। पुरुष का जन्म आजाद जन्म है, कहीं भी इधर उधर जा सकते पहले कहीं रोक रोकने कोई मर्यादा लाचन नहीं। जीव कोई गलती कर जावे कोई पाप कर्म कर जावे उनको नारी को जन्म मिले, सारी जिंदगी पराधीनता में बितानी पड़े। बचपन में माता पिता के अधीन फिर पति के अधीन बुढ़ापा हम देखते बूढ़ी बूढ़ी माता बेटा रुको मरा दी सारी जिंदगी पराधीनता में बितानी पड़े। अपराधीन को जीवन जीवन नहीं ये करने का फल। जन्म और जाति मनुष्य जाति एक है जिनमें वर्ण चार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण बताया है। बहुत उत्तम जीव कर्म करता है उनको ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिलता है, उनसे मद कर्म करे उनको क्षत्रिय वंश में, उनसे मद कर्म करे उनको वैश्य वर्ण में और उनसे मद कर्म करे उनको शूद्र वर्ण में।